शर्मा जी बातचीत कीजिए आप नमस्कार, लोग। प्रणाम भैया। और सर जी क्या हाल शर्मा है? जी क्या हाल चाल? ठीक है सर। बोले थे वीडियो वीडियो बनाएंगे, कहाँ बनाए उसका सेवर सेवर के वीडियो? बनाएंगे सर, बनाएंगे। थोड़ा सा भी काम है, थोड़ा ज्यादा व्यस्त थे इसकी वजह से बनाओ ना, टाइम। हम लोग को भी तो फायदा होगा, थोड़ा बढ़िया बनाओगे वीडियो तो। नहीं वीडियो तो सर बनाऊंगा, बेटर दूसरे मोबाइल से रिकॉर्डिंग करूंगा और उसका उसकी। उसका नाम, पार्ट्स का नाम जरूर बोलिएगा सर, कहाँ पे क्या इस्तेमाल होता है। हाँ हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल उसमें सर कुछ वीडियो तो बनाऊंगा। थोड़ा सा भी काम का प्रेशर ज्यादा है इस समय। हाँ, आज तो सर मंडे था, आज पूरा दिन शहर में बीत गया। क्या नाम से ऐसे चैनल आपका? चैनल मेरा नहीं है सर, अभी यूट्यूब देखते हो ना, क्या नाम से है? यूट्यूब शिवा। सर ग्रुप बनाया है ना सर, शिव शक्ति के नाम से। अच्छा, हाँ सर। आप अपना यूट्यूब का लिंक भेजना एक बार। नमस्कार सर। ठीक है सर, ठीक है। नमस्कार दीपा भाई। नमस्कार सर। नमस्ते सर। प्रणाम सर। नमस्कार नमस्कार। जयपाल जी नमस्कार। नमस्कार। सिग्नल साफ नहीं आ रहा आपका, कैमरा साफ करो, कैमरा साफ नहीं आ रहा, धुंधला धुंधला आ रहा कुछ। ऊपर से कैमरा साफ कर लो एक बारी कपड़े के साथ ना। सरवन भाई। हाँ सर। हाँ ठीक है सर, आप सही एक आ रहा। वेल्डिंग मशीन लेना है मेरे को, कौन सा बेटर है सर? कौन सी मशीन? वेल्डिंग करने वाला सर। वेल्डिंग वाला तो वही चाहिए, 200 एम्पीयर का मिनी वाला। 200 एम्पीयर सर। तो सर कितने नंबर तक का राड गलेगा उससे, कुछ आइडिया है? जयपाल जी म्यूट करो कैमरा, आवाज ज्यादा आ रही है आपकी उसकी। हाँ सर बोल रहे 6,000 लगभग के आएंगे, 6,000 का। नहीं नहीं कितने एम्पियर का लिया जाए कि वो एम्पियर मैक्सिमम 200 एम्पियर मैक्सिमम 200 वोल्टेज, सभी तरह का पाइप पाइप कुछ भी उसको लगा सकते हो। मोटा रॉड जल जाएगा पाइप में तो ऐसे 100 125 चलता है इसमें वेल्डिंग करने में। अच्छा नमस्ते साहब जी। नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार संतोष जी। नमस्कार सर। नमस्कार सुशील सर, कैमरा खोलो। हाँ खोलता हूँ, खोलता हूँ। सभी को नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। संजय सर जी को नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। नमस्कार सर सबको। नमस्कार नमस्कार। कंटिन्यू कीजिए आप लोग। आज क्या बना रहे जयपाल जी? फैन पंखा। कूलर? कूलर है क्या? नहीं स्टैंड पंखा है, स्टैंड पंखा। अच्छा स्टैंड। शादी बाड़ी में नहीं, शादी बाड़ी में नहीं लगता है? हाँ हाँ समझ गया। 2800 RPM का। सरवन जी। जी सर, ये कूलर का बाड़ी उधर मिलता है आपके तरफ? कूलर का सर्कल वगैरह सारे चीज मिल जाता है, कूलर किट का। नहीं नहीं बड़ी बड़ी सर, उसका प्लास्टिक वाला। बॉडी वाले का यहाँ पे पता तो नहीं है, बाकी इसका तो वो पंखा मार्केट है ना, क्या कहते हैं उसको, नाम भूल जाता हूँ। बसई। बसई धारापुर। अच्छा बसई धारापुर। वहाँ तो सारे है, यहाँ तो बनाने वाला ज्यादातर मैन्युफैक्चरिंग होता है यहाँ पर। बाटी बूटी नहीं मिलेगी उधर, मोटर वगैरह तो मिल जाएगी या बड़ा बड़ा कूलर मिलेगा? तो स्पाइडर वगैरह ये सब तो मिल जाते हैं ना, जैसे टूट जाते हैं तो स्पाइडर वगैरह।
कूलर की बाटी पूछ रहे हैं ना, वो कूलर की बाटी कहाँ मिलती है बसई में? बसई में नहीं मिलती है। कूलर की बॉडी चाहिए उनको। हाँ पूरी कंप्लीट चाहिए ना सर, आपको जानकारी चाहिए। बॉडी चाहिए इसमें जीपी से। अगर ज्यादा अगर ज्यादा जानकारी देनी है अगर तो सर की बुक ले लेना, उसमें सारा पता, उसमें सारा पता। कूलर का बुक लिया हो सर, अभी टाइम नहीं मिल पा रहा है उसको, बैठ के पढ़ दूंगा। पढ़ना क्या उसमें, नंबर देख लेना जो जरूरी नंबर है वो पहले उससे यूज कर ले, जब टाइम लगेगा फिर पढ़ लियो। उसमें नंबर जो दे रखे हैं नंबर यूज करना पढ़ने के लिए, तो चल आगे काम कम होगा फिर पढ़ लियो। उसमें नंबर तो है ही है, नंबर से सीधा नंबर देख उसमें अपना बात कर ले उनसे। अब सर जो पढ़ना लिखना होगा सर बरसात में होगा। पढ़ना लिखने की बात है, वो तो पढ़ देगा जब पढ़ेगा। उसमें मैन्युफैक्चरिंग के नंबर तो है ही है, पढ़ने में कितना कितनी देर लगती है पन्ना पलटने में? 5 मिनट में पूरी बुक देखी जाएगी। जब है तो फिर उसका फायदा उठाना। ये तो इसलिए दीपक भैया, हाँ जी, इसलिए पूछ रहे हैं ना कि जैसे कि ये बवाना में है तो यहाँ पे कोई बनाने वाला हो तो या तो लोहे बॉडी नहीं बनाते, ज्यादातर प्लास्टिक बॉडी बनाते हैं। प्लास्टिक बॉडी का तो बिकता कम, बहुत कम बिकता है। और नमस्ते सर, बॉडी में धूप लग गया ना, खराब हो जाता। सबको नमस्कार, सबको नमस्कार सर। नमस्कार, 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 नमस्कार सर, नमस्कार। प्लास्टिक से ज्यादा तो लोहे के कूलर बिकते हैं इधर सर, ज्यादा दिन चलते हैं जी। उसका पता क्या है, प्लास्टिक वाले का अगर जर्जर लग जाता है ना तो बस बाटी हाथ में आ जाती है, खोलते खोलते ऐसा हाल हो जाता है कई बारी तो। और महंगे भी हो गए ना सर, इसमें ज्यादातर महंगे इसलिए है कि प्लास्टिक का रेट रॉ मटेरियल जो बढ़ गया है ना, जो वहां पे 500 का था अभी वो 1000 का है। हाँ वो तो है ही है सर, प्लास्टिक का रेट तो है सर। सारी एल्युमिनियम की मोटर आती है उसमें तकरीबन, प्लास्टिक के कूलर आ रहे हैं ना सब में 99% को एल्युमिनियम आती है मोटरें, छोटी वाली एल्युमिनियम में। सारे एल्युमिनियम में होते, कॉपर में तो कोई बनाते ही नहीं है। उसका एक एक प्रॉब्लम हो रहा है, जब तक कंपनी का चल रहा है तो चल रहा ठीक है, उसके बाद आप रिवाइड करते हैं तो मिनिमम उसमें अगर आज बांध दिया ना तो लगभग कई होगा तो ऐसा होता है साथ की साथ आ जाते, पानी बढ़ जाता है सर, जगह स्पेस कम होती है उनमें। और कोर भी सही नहीं होता है ना उसमें, 1-2 साल के बाद वो ज्यादा रिपेयरिंग में चलता नहीं है उसका। कोर की तो देखी जाए उसमें पानी बढ़ने की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आती है, जितने भी आते हैं ना कूलर जितने प्लास्टिक के आते हैं छोटे वाले, लगभग पानी की वजह से ही वापसी आ रहे हैं। पानी से बढ़ जाए उसमें कुछ भी लगा ले, टेप लगा ले या कुछ भी लगा ले, उसमें पानी बढ़ जाता है कहीं ना कहीं से। अब पड़ जाएंगे वो तो उसमें क्या उसमें ब्लो उसका गैप कम होगा ना पर्दे का, उसका घास नहीं लगाते है ना, वो फाइबर का लगा देते हैं, इस चक्कर में वो पानी इतनी ज्यादा पड़ते हैं। वो हवा खींच लेता है, हवा के साथ पानी भी खींच लेता है वो। दीपक भैया, दीपक भैया, हाँ जी, हाँ जी, आपका कहना है क्या पड़ता है, एल्युमिनियम की कूलर की मोटर रिवाइंड होने के बाद नहीं चलती है? नहीं नहीं चलती है, नहीं है, पानी बढ़ जाता है। छोटी मोटर जो आजकल नहीं आती है कूलर की, छोटे डाई में आती है सर जो, वो उनकी बात कर रहा मैं भाई, वो प्लास्टिक के कूलर पूछ रहा था, वो प्लास्टिक के कूलर वहां कामयाब नहीं है। नहीं, नहीं। स्पेस का मतलब ना उनमें, मेरा मतलब जैसे आपने बोला कि कंपनी की मोटर बनने के बाद मतलब जलने के बाद नहीं बनाना चाहिए, नहीं बनाना तो चाहिए उसका। मैं वो ऑप्शन पूछ रहा भाई, पानी कैसे, पानी रोकने का ऑप्शन कह रहा मैं सर। अरे तो वो जो पेड़ डलता है ना, क्या डलता सर? अरे ये जो ये खस का चारा डलता ना, हाँ जी, पेड़, हाँ, हाँ, उसको सही लगाओ आप। मैं अपनी बात बता रहा, मैं तो लोगों की बात बता रहा हूँ, कम से कम यू लगा लो हफ्ते में वापसी आ जाती है पानी की वजह से। नहीं नहीं हम तो नहीं मानते यार इस बात सर। अगर देखो घास की जगह पे घास, अगर घास अगर आपके सही डली हो और पानी नहीं गिरेगा, घास नहीं लगाते हैं ना सर, वो घास महंगे हो गए हैं अभी, उसको फाइबर सस्ता पड़ता सर। फाइबर का जो पिलर आते हैं ना जो कूलिंग टावर में लगते हैं उसी का सर, घास ही तो सस्ती पड़ती है सर।
घास सस्ती पड़ती है वो महंगी पड़ती है? घास सस्ती पड़ती है। घास तो क्या, घास क्या कितना क्या आ जाएगा? मेरे ख्याल से 80-90 रुपए का पूरा बंडल आ जाएगा उसका, तीन का। अगर उसको लेने चले, अगर उसको सीट लेने चले जाए तो 1000-1200 रुपए की है वो, फीट के हिसाब से मिलती है वो। हाँ भाई कह रहा ना मैं, वो ज्यादा महंगी पड़ती है, महंगी है सर। फिर उसको जाली भी चाहिए ना, केबल टाइप भी चाहिए उसमें। हाँ सब होता है सर उसमें, उसके अंदर बस बीच में रखनी तो होती है वो। फिर भी वो पता क्या, हवा के साथ में ना पानी खींच लेता है तो पानी बढ़ी जाता है तकरीबन, एल्युमिनियम के जहाँ पानी लगा मोटर खत्म हो जाती है। दीपक भैया हाँ जी, हमारे एरिया में एल्युमिनियम ही ज्यादा चलता है। नहीं चलती तो सर, यहाँ भी एल्युमिनियम है, मैं तो बोलता रहा किस वजह से चलती है छोटी मोटरों का जो आ रहे ना आजकल। हमारे पास प्लास्टिक और लोहा दोनों चलता है सर, अधिकतर वही चलता है। प्लास्टिक में फेलूर नहीं है सर। कैसे हैं सरवन जी? प्रणाम सर। ये गाने किसके चल रहे हैं? गाने गाने कैसे हैं सर? किसी का गाना चल रहा है यहाँ पर, आवाज नहीं आ रही। भैया नमस्कार। जयराम जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार भानी भाई, जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। आज क्या बना रहे जी? जयराम जी क्या कर रहे हैं आज, क्या बना रहे? सबको नमस्कार। अभी बैठे देख रहा हूँ आज कुछ ने बनाए। आज तो जयराम जी का चांद निकल आया। चांद निकल आया अच्छा, सुनने आया। अच्छा मजे हमारे लो तुम यो। चलो हाँ, नहीं नहीं आप चलाओ, आप आए हो, बड़े भाई आ गए तो भी छोटे भाई की जरूरत नहीं है। छोटे भाई जयराम जी ना। अरे इसको संभालिए क्लास को। एकदम सन्नाटा सा जाता है, बोलते हैं अगर सारे बोलते हैं फिर बोलता नहीं कोई, नहीं बोलता। नहीं जयराम जी बोलेंगे अब तो। क्या हुआ दीपक जी? बोलो बोलो आप बोलो सर। आज तो कुछ नहीं, मैं बस पूछ रहा था, आज बात चल रही थी कूलर की बॉडियों की, पूछ रहे थे तो मैं बता रहा था भाई प्लास्टिक का कामयाब नहीं होता ज्यादा, तो जो छोटे डाई की मोटर आती है ना कूलर की, तो उनमें पानी भर जाता है। तो उसका सोल्यूशन पूछ रहा था कुछ, कोई हो तो ऐसा भी जिससे पानी ना जाए। उसका सोल्यूशन तो वही है, पीछे से कोई टोपा लगा दो। मैं लगाऊंगा कोई मिस्त्री, कई मिस्त्री आते हैं ना क्या करते हैं, कोई 4 दिन बाद वापसी ले रहा है, कोई 10 दिन बाद वापसी ले रहा है, पानी लग जाता है उसमें। अपनी तो कोई गारंटी नहीं होती वैसे कह रहा मैं तो, फिर भी अगलों का नुकसान तो होता ही है, कुछ ऐसा समाधान मिल जाए जिनसे उनका कुछ नुकसान बच जाए। उसका दो कारण है जी, एक तो जो पीछे का जो टट्टी लगता है ना, जो घास लगता है। हाँ जी हाँ। वो पुराना हो गया होगा तो क्या है कि उसके ऊपर से पानी खींच लेता है मोटर। अच्छा मोटर खींच लेता, ठीक है। दूसरा है कि जो आप उसका जो डेट का लगाते हैं पानी का, डेट का नमस्कार, जो ऊपर नमस्कार, वो जो बड़ा लगा देते हैं ना कोई लोग, तो पानी नमस्कार नमस्कार है तो है ना वो पानी खींच लेता है। अगर उसके ऊपर टेपिंग भी कर देना फिर भी पानी चला जाता है, जैसे 2 इंच की टेप ले आता है ना, 2 इंच की टेप घुमा देते हैं उसके ऊपर ऊपर है ना आप उसको है ना, हमारे यहाँ तो क्या है वो पीछे से वो कैप लगाई हुआ आती है, आधा कैप लगाया होता है, आधे में आती नहीं सर। जो छोटे कूलर आते हैं ना, एक तो आम कूलर हो गया, एक छोटी बाटी का कूलर भी आता है, तो सिम्सनी मोटर में सिम्सनी कूलर के आते हैं। हाँ उस टाइप की मोटर में ज्यादा होता है ये, तो उसमें रहती है ना उबा ब्लोवर होता है ना जी, उसके अंदर ब्लोवर रहती है टावर फैन के टाइप।
उसके अंदर प्रॉब्लम रहेगी, लेकिन वो सामने से लगता है उसके अंदर प्रॉब्लम नहीं रहती ज्यादा। सुनो सुनो हितेश भाई, जी मैं बोल रहा था कि जो घास लगता है ना, हाँ, उसमें जो ऊपर छेद रहते हैं, वो छेद में से सामने तो आइए चंपा जी, सामने आइए, सामने प्रकट होइए। कौन बोल रहा है भाई जी? एक मिनट सुनो सुनो क्या करे, एक मिनट दोबारा कहना धनपाल जी। हेलो, अरे सुशील जी हैं वो, धनपाल जी नहीं है। मेरे पास वो एक मिनट सर, सर हमारे यहाँ लाइट नहीं है। दीपक सर भाई लाइट नहीं है। अच्छा अच्छा ओके। दीपक सर। हाँ जी हाँ जी श्रवण जी। हाँ सर नमस्कार सबको। तीन संतोष कुमार है सर। सर जी नमस्कार सबको, धनपाल सहारनपुर से। नमस्कार नमस्कार। जो नीचे लिखा था भाई उसके हिसाब से मैं बोलता हूँ, जब सेकंड वो खोल लोगे ना तो नाम अलग अलग आते रहते हैं। तीन है आज, संतोष प्रजापति, संतोष कुमार, संतोष कुमार ये क्या है? तीनों को ही बिठा देते हैं, तीनों लगे रहो, बताओ आज कुछ बताओ, फिर आज आप ही संभालो। संतोष कुमार ब्रॉन्ज है, पूछो ना। संतोष कुमार ब्रॉन्ज। हाँ जी सर। अच्छा वाशिंग मशीन के बारे में, वाशिंग थ्री फेस वाशिंग मशीन जो है ना, लाइन से चल रहा है और जनरेटर से नहीं चल रहा है, जनरेटर भी थ्री फेस है, उससे जनरेटर चालू होने पर कुछ सेकंड के लिए जलता है और वाशिंग मशीन फिर उससे चालू नहीं होता, ऑन नहीं होता है। वो शॉर्ट हो रही होगी, वोल्टेज ब्रेक हो रहा है या तो उसका शॉर्ट होगी तो जनरेटर का वोल्टेज तो बैठाएगा, फिर उसके वोल्टेज ज्यादा होते हैं ना, इसके लाइट के कम होते हैं, जैसे पंखे में हो जाता है कई बार, इन्वर्टर पे चलता नहीं यार, लाइट पे चलता है तो उसमें बीच वाली को क्रॉस हो जाती है तो पंखा बंद हो जाता है चलना, जैसे पेपर देते हैं ना बीच में पंखों के, लाइन सही जा रहा है जनरेटर का। नहीं नहीं देखिए, मोटर और वॉशिंग मशीन में बहुत अंतर है, वॉशिंग मशीन इलेक्ट्रॉनिक माइक्रो कंट्रोलर सर्किट है, बात समझे, उसको आप मोटर से मत तुलना कीजिए, मोटर तो हर तरह से चल जाएगा। इसमें हमको लगता है कि ज्यादातर मामला हमको फ्रीक्वेंसी का लग रहा है, फ्रीक्वेंसी बहुत बार अल्टरनेटर से सही नहीं आता है ना, वोल्टेज से सर रुक रुक के आते हैं सर, जैसे कि कभी 35 40 45 ऐसे हो जाते हैं, 50 का ही साइकिल चाहिए, साइकिल चाहिए वो 50 चाहिए, अल्टरनेटर आप चेक कीजिए, फ्रीक्वेंसी मीटर हमने आपको लाइव में भी बोल दिया था यूट्यूब में, फ्रीक्वेंसी नहीं आएगा तो उसमें आप जो है ना उसका स्पीड थोड़ा बढ़ाइए जनरेटर की, वोल्टेज वोल्ट होना चाहिए। चाल भी बराक देख लिया, कम भी करके देख लिया, उससे नहीं हो रहा, ऐसे तुक्का मत लगाइए, मीटर का इस्तेमाल कीजिए, डिजिटल युग है, आप एक तरफ वॉशिंग मशीन को लगा रहे हैं, दूसरे तरफ आप हाथ से ऐंठ जोट करके आप चाह रहे हैं किसी तरह मेरा तुक्का लग जाए, तुक्का लगाने वाला काम नहीं चलता है, आप मीटर से चेक कीजिए हर तरह से, आज का जमाना एकदम डिजिटल है। कितने केबी का मोटर है? पहले का वॉशिंग मशीन वाला चल जाएगा, जो घुमा घुमा के चलता था ना वो चल जाएगा, ये बटन वाला अगर होगा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट वो दिक्कत करेगा। इलेक्ट्रॉनिक है आवाज नहीं आ रहा है, और दीपक जी और अनिल पारिक जी, और एक कौन थे, दीपक जी अनिल पारिक जी, और एक उनका था बॉल फैन का था, क्या प्रॉब्लम थी क्या? वो क्या हुआ, सॉल्व हुआ कि नहीं आप लोग का प्रॉब्लम? मैंने तो छोड़, अच्छा आपने सरेंडर ही कर दिया, तो आप अमूल बोल रहे हो उसमें मोटर सर, मेरे को ये जनरेटर का डबल से बताइए क्या है, तो जनरेटर इनका ये जनरेटर पे वॉशिंग मशीन नहीं चलता है, लाइन पे चलता है, और बाकी चलता है
बाकी तो सब चीज चलेगा, वॉशिंग मशीन डिजिटल है वो नहीं चलता है। अच्छा बताइए थ्री फेज का है, थ्री फेज का है क्या जनरेटर, थ्री फेज का है क्या सर जी? में कितने किलोवाट का है वॉशिंग मशीन? वॉशिंग मशीन तो नॉर्मल आता है 500-600 वाट, 400 वाट। थ्री फेज है सर जो बड़े, थ्री फेज का वॉशिंग मशीन है। हाँ वो बता रहे ना, पूछा जी सर। जनरेटर भी है, वॉशिंग मशीन भी थ्री फेज का है जी सर। ये टेंट हाउस के जो आता है ना बड़ा बड़ा टेंट हाउस का सामान, अच्छा अच्छा, उसको धोने के लिए आता है सर्किट में सेकंड के अंदर किलोवाट का फर्क आ रहा होगा उनमें, तब बताइए। अब तो हमको नहीं मालूम अल्टरनेटर कितने एचपी का है। हां अल्टरनेटर हां कितने एचपी का है? वो तो 12 केवी का अल्टरनेटर है। 12 केवी। और वॉशिंग मशीन कितने केवी का है? लोडिंग लोडिंग की बात नहीं सर, उस सेट में तो जैसे बताइए आप लोडिंग की बात नहीं है। वॉशिंग मशीन में लाइन तो रहेगा तब ना, जैसे उसमें लाइन जाता है 5-10 सेकंड के बाद लाइन ऑफ हो जाता है अपने, पहले तो उसमें लाइन रहेगा सर्किट में, उसके बाद है ना ऑन होगा। जनरेटर का वोल्टेज लो या हाई है? लो हाई दोनों करके देख लिया, क्योंकि उससे ऑफ हो जाता है। लाइन पर सही चल रहा है? नहीं नहीं वॉशिंग मशीन नहीं बोल रहा, जो अल्टरनेटर है आपका वो बाद में सही चलता है, काम करता है वो? हाँ सही चल रहा, तीनों पे सही दे रहा। एक तो उस पे लोड ज्यादा हो रहा हो, लोड उसको एक बार, लोड दूसरा तो दूसरा लोडिंग से जैसे थ्री फेस मोटर चाहे 100 वाट का बोल जला जला सभी जगह सभी जनरेटर में ऐसे ठीक वो नहीं बोल रहा मैं, वो नहीं बोल रहा मैं। जब भी वॉशिंग मशीन आप चालू करते हैं ना, अगर इंजन चालू है तो रेस ज्यादा लेता है क्या वो? ऐसे दबे जैसा आप चालू होता क्या लोड दिए बराबर? वॉशिंग मशीन में सर्किट जैसे लगा हुआ है तो इसमें लाइन जाने के बाद वॉशिंग मशीन 5-10 सेकंड ऑटो कटअप है, वो ऑटो कटअप है, ऑटो कटअप है, कटअप नहीं हो रहा। सर एरर क्या आ रहा है उसमें? सर एरर क्या आ रहा है उसमें? डिजिटल है ना, एरर आ रहा होगा कुछ, क्या किस चीज का एरर दे रही? सर मैं बोल रहा हूँ डिजिटल है ना, डिजिटल है उसमें एरर आ रहा होगा किसी चीज का, बताओ क्या एरर आ रहा? डिजिटल नहीं बता नहीं पा रहा है और लाइन ऑफ हो जाता है ना, तो अब नहीं कुछ ना कुछ सर कंप्यूटर है ना, कंप्यूटर कुछ ना कुछ बताएगा जरूर। अमोल भैया आपको इनकी बात समझ में आ रही? प्रॉब्लम को इनकी बात समझ में आ रही? नहीं वो तो बोल रहे हैं, इनका क्वेश्चन समझ में आ रहा आपको? नहीं बस बात खत्म हो जाती, समझ क्वेश्चन ही नहीं समझ में आ रहा। उसके पास जाके दिखाइयो कल फिर समझ आएगा। हाँ दीपक भैया प्रॉब्लम है ना, वहाँ कैमरा दिखाइयो, अभी एक प्रॉब्लम आ रही है, फिर शायद कुछ समझ ले और बता दें। अरे सर हम फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का काम करते हैं। कल वीडियो बना करके दीजिए संजीव सर को। हम्म बिल्कुल हाँ, आप आस पास हो तो दिखा दे साथ में, वीडियो दिखा दे साथ ही साथ लाइव। या कल दिखा देना, कल वहीं से वीडियो बना के यहाँ दिखा देना। आज जयराम जी एकदम चुपचाप से हैं, कुछ बोलिए जयराम जी। ठीक सॉरी आराम से खाना खाए बैठ के, चलो ना खाना खा रहे हैं, खाना हो गया, तबियत खराब है मेरी जरा थोड़ी। अच्छा अनिल नहीं आया? अनिल सर नहीं आया? अच्छा एक संतोष कुमार है, एक संतोष प्रजापति, तीन संतोष दिखा रहे थे सर, एक संतोष कुमार और है, तीन संतोष आपको
पूछना कर संतोष कुमार जी, माइक खोल ले अपना माइक। अब मिला क्या आवाज? आवाज मिल रहा है क्या? आवाज मिल रहा सर? है सर, आवाज आ रहा है? आवाज मिल रहा है? आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही है। बोले कह रहे हैं कि जो तीन फेज का बता रहे हैं वो जनरेटर पर देता होगा जो वोल्टेज, वो 220 देता होगा, और वहां पर तीनों फेज मिल रहा होगा 660 वोल्टेज और यहां पर 440 वोल्टेज है, यहां से कुछ डिफरेंस हो सकता है सर? छे सौ चालीस कहा से गिना आपने? इन्वर्टर इसमें नहीं जा रहा होगा तब भी हो सकता है, न्यूट्रल लिमिट करता है ना सर? संतोष भाई जी, थ्री फेज का लाइन जो रहता है वो अपन फेस टू फेस उसको चेक करते हैं, 440 आता है वो, 640 नहीं आता। तीनों फेज में अपन चेक नहीं कर सकते। न्यूट्रल के साथ में चेक करो तो 230 दिखाएगा, फेस टू फेस गया तो 240 दिखाएगा, वो भी वहां पे उस पर डिपेंड है वो, कभी कभी 380 भी दिखाता है। अच्छा अच्छा, तो फिर एम्पियर ओम्पियर का दिक्कत लग रहा है और जो सर जी बोल रहे हैं वो बात प्रॉब्लम बोल रहे हैं, इनको एक तो बताते नहीं आ रहा, हम हमको समझ नहीं आ रहा, पहले क्वेश्चन समझ में नहीं आया, क्वेश्चन नहीं समझ आया उसका, क्या बोल रहा है? कल वीडियो बना के रखियो भाई। ठीक ठीक, कल वीडियो बना के देते हैं कल। अमोल सर हां कल वीडियो बना के दीजिए। ठीक, उससे पता लगेगा। सैयद जी का एक क्वेश्चन था लाइव में, वो 9:18 वाला हुआ क्लियर क्या? नहीं सर, वो बात चल रही बोल गया हमेशा सर, ये 9:18 जो क्रॉम्पटन का फैन आता है नीचे 9 ऊपर 18 अंदर की तरफ जो है 9 रहते है काहला, बाहर की तरफ 18 रहते है, बड़ा वाला स्टेटर बड़ा वाला स्टेटर आता है वो, तो सीएनसी पे हो जाता है सर, वो तो 18+18 भी हो जाएगा। हाँ 18+18 भी हो जाएगा, होगा लेकिन रनिंग स्लो हो जाएगी सर, क्या जरूरत है फिर उसको 18+18 सब होता है क्या सैयद भैया? सीएनसी पे सब होता है, उसके डाई अलग बनवाना पड़ेगी सर, ये उसका प्रोग्राम कैसा सेट करते हैं सर? वो तो है लेकिन बड़े जो कायल पीछे डालते हैं ना सर, उसमें वायर भी बचता है, टाइम भी बचता है। नहीं 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 नहीं, नहीं आपकी ये तो वही है, दोनों दो कॉयल आप आओगे बराबरी पड़ेगी तार, तो कहने का फर्क है भी, एक कॉयल पा दी वो दो कॉयल आधी आधी हो जाएंगी, बस टाइम का ला ले तो टाइम की बचत हो सकती है, बाकी तो कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। टाइम की बचत होती है सर, उसमें कोई इतना फर्क नहीं पड़ता, कितना मिनट है, कितना 5-7 मिनट का। मैं तो ग्लोब 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 मशीन में वही वैसे ही करता हूं मैं, फिर उससे स्पीड कम हो जाती है ना, उससे स्पीड का फर्क पड़ता है। इसका स्पीड का फर्क पड़ेगा, मैग्नेटिक कितना कम पड़ेगा उसका, वो भी तो लगाओ ना हिसाब। अरे जयपाल जी दिखा रहे हैं देखो, सिंगल आधी पानी की बात कर रहे सर। दीपक जी उसमें 650 आता है, जो क्रॉम्पटन का आता है 650 आता है 35 नंबर से, उसको 325 अगर कर दिया तो स्पीड में कौन सा फर्क आएगा उसमें? आधा आधा कर अगर स्पीड कैसे फर्क आएगा बताइए? स्पीड फर्क नहीं आता सर, नहीं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दीपक जी बोल रहे हैं ना फर्क आएगा,
नहीं आता नहीं आता एक मिनट अब मेरा यही कट गया। हाँ बोलिए। इसमें स्पीड का फर्क नहीं पड़ेगा सर, फिर कोयल मोटी हो जाएगी। नहीं, कुछ भी नहीं, और स्पीड ज्यादा आएगी। कहाँ गए दीपक जी? तार का फर्क पड़ जाएगा इसमें। तार का तो 18 में स्पीड अच्छी आती है सर। नो कोयल पाएंगे, तार कोयल पाएंगे तो मैग्नेट का फर्क कितना मोटा है हितेश जी? स्पीड सेम रहेगा भाई। स्टेटर कितना एमएम में है हितेश जी? सिंगल कॉइल डालो या डबल कॉइल डालो स्पीड में कोई फर्क नहीं आता। खाली दिक्कत इतना आता है सिंगल अगर कॉइल किया तो अपने को पेपर डालते समय दिक्कत आता है। दो अगर कॉइल किया तो टाइम तो उतना ही लग गया ना सर। टाइम तो बात वही पड़ेगी ना टाइम की भी। अब ये टाइम बचाने के चक्कर में पूछ रहे तो सिंगल डाई उसी डाई पे तो बंद सकता है। सिंगल ही बढ़िया है वो। नहीं सिंगल उसी डाई पे चल ही जाएगा फिर वो। अलग डाई करने की क्या जरूरत है उसकी? नहीं सेम डाई पे होता है लेकिन प्रोग्राम चेंज करना पड़ता है। वो नहीं मालूम है सर मेरे को। प्रोग्राम मालूम है तो बस सीएनसी पे चलाना है आपको। सीएनसी पे पूछ रहे हो। आपको मशीन वो एक साइड में घुमाना है। हाँ सर जो रिवर्स फॉरवर्ड हो रहा है वो आपको एक ही साइड पे घुमाना है। कुछ नहीं सुशील भाई सीधा सीधा दो कॉइल करो उसका आधा आधा करो। भाई कह रहा उसमें जल्दी होएगा थोड़ा। और पेपर भी आसानी से पड़ेगा ऊपर का। जब पेपर लगाते तो वो दिक्कत नहीं जाता क्योंकि अगर मोटा कॉइल हुआ छोटा हुआ तो पेपर ही जाता फिर उसमें घूम जाता है। और स्पीड कुछ कम नहीं होता कुछ ज्यादा नहीं होता। 11 बज गया वायर जितना उतना लगेगा। 11 बज गया अमोल जी। नमस्ते सर। नमस्कार नमस्कार। गुड नाइट सर। जगन्नाथ गुड नाइट। कल फिर मिलेंगे। गुड नाइट सर। प्रणाम। गुड नाइट। प्रणाम। गुड नाइट। नमस्कार।